स्प्रे यहाँ पे लिया है और ये मेरा पत्ता है, और मैं बिल्कुल वैसा ही करके आपको दिखाऊंगा जैसा एक खेत में जैसे होता है। अगर आप देखेंगे अभी गौर से, आप देख पाएंगे कि पत्ते पर छोटी छोटी बूंदें बन चुकी हैं, और यही मान लीजिए कि खेत में कोई बीमारी थी इस पत्ते पे, और उन जगहों पे बीमारी थी जहाँ पे ये बूंद नहीं गिरी है, तो शायद कीड़ा ना मरा होता या वो फफूंद ख़त्म ना होती, और अगर गिरी भी होती और थोड़ी देर हवा चलने के कारण ये हवा से या तो बूंद नीचे गिर जाती या वाष्पीकरण से हवा में ऊपर चली जाती, जिसके कारण किसान को बार बार अपने खेत पे इस दवाई का छिड़काव करना पड़ता, जैसे उसकी लागत बढ़ जाती यानी उसका खर्चा बढ़ जाता, लेकिन बीमारी पे उसका रोकथाम नहीं हो पाता। और इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान है, जैसे हमने बात की थी एग्रोलाइजर 82, अगर हम एग्रोलाइजर 82 का इस्तेमाल इसी दूसरी बोतल में डालें और फिर देखते हैं क्या ये बूंद पूरी तरह से पत्ते पे फैलती है या नहीं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने उतना ही स्प्रे इस वाले पत्ते पे भी किया, लेकिन इस बार मैंने पानी में एग्रोलाइजर 82 मिलाया था, और अब दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। एक तरफ जो पत्ता है अभी भी सूखा है, दूसरा पत्ता जो बहुत अच्छी तरह से भीग चुका है, चमक रहा है, और दवाई इस पर अच्छी तरह चिपक चुकी है। अगर आपसे भी मैं सवाल पूछूँ कौन से वाले पत्ते पर दवाई का असर ज़्यादा होगा, तो मैं सही आप कह रहे हैं कि इस वाले पत्ते पर दवाई का असर ज़्यादा होगा। और एग्रोलाइजर 82 का जब भी आप किसी तरह के कीटनाशक, फफूंद नाशक या खरपतवार नाशक के साथ एग्रोलाइजर 82 को मिला के छिड़काव करते हैं, तो यही जो फ़ायदा है आपको भी मिलता है, किसान को भी मिलता है, जिससे उसकी बीमारी जल्दी ख़त्म होगी, और बीमारी ख़त्म होने से उसके खेत में उसकी पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ने से उसका मुनाफा भी बढ़ेगा। दूसरा जादू दोस्तों, दूसरा